इंडिया गठबंधन की बैठक टलने की मुख्य वजह है गठबंधन के कुछ नेताओं के तय कार्यक्रम, जिसकी वजह से वो अगस्त वाली तारीख में बैठक में आ नहीं सकेंगे। खासकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो अगस्त में ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकलेंगे। मुंबई की बैठक इंडिया गठबंधन के कई मायने महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले तो ये इस गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है, साथ ही समन्वय समिति का भी गठन किया जा सकता है। मुंबई बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक ऐसे किसी राज्य में होने जा रही है जहां इनमें से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं है। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई में पटना में आयोजित की गई थी, तो दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने की थी।